ये पहले 7 श्लोक भगवान समझाते हैं अपने ओरिजिन के बारे में, जो कि समझना डिफिकल्ट है, देवता लोग भी नहीं समझ सकते। और 7 श्लोक के बाद भगवान 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, 4 श्लोक जिसको फेमस कहा जाता है चतुर श्लोकी भगवत गीता, 4 श्लोक है, 8, 9, 10, 11। तो ये 4 श्लोक के अंदर भगवान ने पूरी भगवत गीता का इसेंस दे दिया है। ऐसा ही सेम श्रीमद् भागवतम के अंदर है, जिसको बोलते हैं चतुर श्लोकी भागवतम, जो सेकंड कैंटो में आता है, दूसरे स्कंद में आता है। और भगवत गीता के अंदर ये 10वें अध्याय में बताते हैं चतुर श्लोकी भगवत गीता। ये श्लोक इन श्लोकों के अंदर भगवान ने बताया है कि जो मेरे भक्त है वो मुझे किस तरह समझ सकते हैं, और समझने के बाद वो लोग क्या करते हैं, और मैं फिर उनको कैसे हेल्प करता हूँ। सो भक्ति, भक्त और भगवान, तीनों का इसमें डिस्क्रिप्शन दिया है कि भगवान कौन है, भक्त कौन है और भक्ति क्या है। ट्राइंगल बनता है, जैसे एक और ट्राइंगल हमने देखा था, कौन सा ट्राइंगल था वो, 5th चैप्टर में एक और ट्राइंगल हमने देखा था कर्मा वाला कि डिजायर, है। हम जीव जो डिजायर करते हैं तो भगवान उसको माया शक्ति के द्वारा वो मैनिफेस्ट हाँ, मतलब करवाते वो हैं। ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स क्या है? उसमें एक डिजायर है, उस दूसरा नहीं, भगवान है। डिजायर नहीं है, डिजायर नहीं है। एक पहला पॉइंट परमात्मा, फिर आत्मा और भौतिक प्रकृति। यस, तो पहला ट्राइंगल जो फिफ्थ चैप्टर में आता है वो है आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। ये 3 ट्राइंगल बनते हैं। और ये 10th चैप्टर में भगवान दूसरा ट्राइंगल बताते हैं, भक्त, भगवान और भक्ति। ये ट्राइंगल इसमें बता, 5th चैप्टर में ये सेम ट्राइंगल आता है 13, 14, 15 श्लोक में, और 10th चैप्टर में दूसरा ट्राइंगल आता है 8, 9, 10, 11 नंबर के श्लोक में। ये ट्राइंगल पूरा भक्ति से भरपूर है, वो ट्राइंगल पूरा फिलोसॉफी से भरपूर है, ज्ञान से भरपूर है। ऑफकोर्स वो ऐसा ज्ञान है जिससे हम भक्ति की तरफ पहुंच सकते हैं, वो पार्ट एंड पार्सल है इस ट्राइंगल का। तो 8वां श्लोक हम पढ़ते हैं, जिसमें भगवान कुछ अच्छा हमारे साथ शेयर कर रहे हैं अर्जुन के माध्यम से। यस, पढ़िए 8वां श्लोक। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समान्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं, पहले अहम मतलब मैं, सर्वस्व सभी चीजों का प्रभव, उत्पत्ति कर का कारण। अहम सर्वस्य प्रभव, सभी मतलब आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत, दो ही चीजें हैं, तीसरा कुछ नहीं है। आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में सर्वस्य आ गया, मटीरियल एंड स्पिरिचुअल दो चीज ही है बस, तीसरा कोई नहीं है। तो भगवान बोल रहे हैं मैं सभी चीजों का सोर्स हूं, मतलब आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण। और मत्तः सर्व प्रवर्तते, मेरे द्वारा सब चीजें की उत्पत्ति हुई है। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सबसे पहले क्या है कि आध्यात्मिक भौतिक और भौतिक जगत का कारण हूं, और दूसरा क्या बोल रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु मुझसे उत्पन्न हुई। ऑलमोस्ट सेम थिंग, मैं इस चीज का कारण भी हूं और इसका ओरिजिन भी हूं, आई एम द कॉज एंड ओरिजिन। ये जब समझ जाते हैं इति मत्वा, जब ये लोग मेरे भक्त जब ये समझ जाते हैं तो क्या करते हैं, भजनते माम, मेरी भक्ति में लगते, मेरा भजन करते हैं।
और बुधा भाव, बुधा मतलब इंटेलिजेंट, ऐसा इंटेलिजेंट व्यक्ति मेरी भक्ति में लग जाता है, और रिचुअल भक्ति नहीं, भाव भाव से करता है भक्ति, समान्विता अत्यंत मनोयोग से और पूरा एब्जॉर्प्शन के साथ, विद ग्रेट अटेंशन और विद ग्रेट फीलिंग्स, ग्रेट अप्रिशिएशन के साथ भक्ति में लगता है। ये पहला श्लोक, ये चारों श्लोक हमें कंठस्थ होने चाहिए, क्योंकि ये इसेंस है पूरा भगवद गीता का। चार श्लोक के अंदर पूरा 18 अध्याय का इसेंस। सो ये श्लोक समझ में आया, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुध भाव समान्विता। तो परपोर्ट में प्रभुपाद फर्स्ट लाइन लिखते हैं, जो ट्रांसलेशन ही है, जो मतलब कृष्णा का, कृष्णा ने जो ये श्लोक बोला है उसी का एज इट इज एक्सप्लेनेशन ओपनिंग लाइन करते हैं इस परपोर्ट का। पढ़िए परपोर्ट। जिस विद्वान ने वेदों का ठीक से अध्ययन किया हो और भगवान चैतन्य जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो तथा यह जानता हो कि इन उपदेशों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, वही यह समझ सकता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के मूल श्री कृष्ण ही है। इस प्रकार के ज्ञान से वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज है समझने के लिए कि प्रभुपाद इस परपोर्ट, इस श्लोक के परपोर्ट में सीधा बोल रहे हैं कि जो विद्वान स्कॉलर लोग होते हैं, लर्नेड स्कॉलर होते हैं, जिन्होंने शास्त्र अच्छे से पढ़े हैं और चैतन्य महाप्रभु की परंपरा से इस ज्ञान को ले रहे हैं, वो इजीली उनके शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार सकते हैं, और उतारने के बाद क्या कंक्लूजन पे आएंगे, ये श्लोक के कंक्लूजन में, कि कृष्णा इज द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग, कृष्णा इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग। तो कृष्णा इधर बोल रहे हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते, कि मैं सभी चीजों का कारण हूँ और ओरिजिन हूँ, इतना बोला। पर यही लाइन एकदम डिटेल में कृष्णा एक्सप्लेन करेंगे आगे वाले श्लोकों में, स्पेशली श्लोक नंबर 20 से लेके 40 तक, 20 से 41 तक कृष्णा पूरा ये श्लोक की फर्स्ट लाइन को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे मैं हर चीज का कारण हूँ, कैसे मैं हर चीज का ओरिजिन हूँ। तो ये जब हम समझ जाएंगे ना, कृष्णा क्या बोलते हैं कि वो मेरी भक्ति में लगता है, और ऐसे इंटेलिजेंट व्यक्ति मेरी भक्ति में लगता है, और भक्ति रिचुअलिस्टिक नहीं होती है, उसकी भाव से होती है। कृष्णा का एक नाम क्या है, भावग्राही जनार्दन, क्या अर्थ होता है इसका, कौन बताएगा, ऑनलाइन आप हैंड रेस कर सकते हैं, भावग्राही जनार्दन का अर्थ क्या है, जिनको पता है या जो ट्राई करना चाहते हैं वो लोग हैंड रेस कर सकते हैं। कृष्णा का एक नाम है भावग्राही जनार्दन, What does that mean? संतोष प्रभु, भावग्राही का जनार्दन, केवल प्रभु सुना है ना, आप ट्राई करो। ओके, यस यस, अनंत प्रभु ट्राई करो। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु भावग्रह जनार्दन, जनार्दन तो भगवान का नाम है, लेकिन भाव मतलब जो जिस फीलिंग से और जिस भावना से हम उनको प्रे करते हैं या ये करते हैं, उसको भाव जनार्दन कह सकते हैं। तो भावग्राही भक्तों के भाव को ग्रहण करते हैं, इसलिए इसमें लिखा है भाव समन्विता, वो पूरे भाव से मेरी वर्षिप कर रहे। भगवान आपके ये भाव को ग्रहण करते, भगवान धनम ग्राही नहीं है या डोनेशन ग्राही नहीं है, आपके दान ग्राही नहीं बोले, दान ग्राही जनार्दन ऐसा नाम नहीं दिया कृष्ण ने, क्या नाम दिया है, भाव ग्राही जनार्दन। और वो भाव अब भगवान
एक्चुअली डिवोटीज वो भाव कैसे दिखाते हैं कृष्णा के प्रति, अपनी सेवा के द्वारा, अपने डोनेशन के द्वारा, या फिर कुछ भी, मतलब भगवान के लिए भोजन बनाएंगे, भगवान को ड्रेसिंग करेंगे अलग अलग सर्विसेज के द्वारा। तो भगवान एक्टिविटी को नहीं स्वीकारते, भगवान किसको स्वीकारते हैं? भाव को स्वीकारते हैं। आप किस भाव से सेवा कर रहे हो वो स्वीकारते हैं, सेवा को नहीं। जैसे गुलाब जामुन है, और गुलाब जामुन को हम चाशनी में डालते हैं और फिर हम टेस्ट करते हैं, तो गुलाब जामुन सेवा है और वो चाशनी वो है भाव। बिना चाशनी के आप गुलाब जामुन टेस्ट करोगे तो कैसा लगेगा? मजा नहीं आएगा, मतलब आपको लगेगा आप मैदा ही खा रहे हो, और चाशनी में डाल के खाएंगे तो एक्चुअली में टेस्ट आता है। कृष्णा जो भावग्राही है वो चाशनी है एक्चुअली। तो अगर हम सेवा अच्छे भाव से करेंगे, फिर चाहे कोई बड़ी बड़ी सेवा करें कि बहुत बड़ा डोनेशन लाए कृष्णा के लिए, या फिर बहुत सारे भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट किए, या फिर बहुत सारे लोगों को प्रीचिंग किया, या बहुत अच्छा कीर्तन किया, या फिर एक दूसरा भक्त जो सिंपल रसोई घर में कोई छोटा सा एक भगवान के लिए कुछ भोजन बनाता है, या कटिंग करता है, या ड्रेसिंग करता है, तो भगवान दोनों की एक्टिविटीज को नहीं स्वीकारते, किस भाव से उसने एक्टिविटी की वो स्वीकारते हैं। जैसे किसी भक्त ने अगर है ना आज 500 लोगों को लेक्चर दिया, पर उसका भाव क्या था कि मैंने लेक्चर दिया और मैंने बहुत अच्छा कार्य किया, इतने सारे लोगों को मैंने प्रचार किया, तो भगवान उसको नहीं स्वीकारेंगे। पर अगर एक दूसरा भक्त जो मंदिर बंद होने के बाद सिर्फ झाड़ू पोछा लगाता है इस भाव से कि भगवान का मंदिर साफ कर रहा हूं मैं, तो भगवान मर्सी देंगे, तो भगवान उसकी सर्विस को स्वीकारेंगे, पर वो वाले प्रीचर की सर्विस को नहीं स्वीकारेंगे, भले उसकी सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट दिखे बाहरी रूप से। तो कृष्णा सेवाग्राही जनार्दन नहीं है, भावग्राही जनार्दन। तो जब हम ये समझ जाएंगे कृष्णा इज द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग, कृष्णा इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग, तो वो व्यक्ति इंटेलिजेंट हो जाता है और भगवान की भक्ति में लगता है भाव के साथ, ऐसा भगवान इस श्लोक में बता रहे। और जनरली जो जैसे आप अगर नॉर्थ इंडिया में जाएंगे, वाराणसी में, हरिद्वार में, काशी में, तो वहां पे बहुत बड़े बड़े आपको पंडित और स्कॉलर्स मिलेंगे शास्त्रों पे। साउथ इंडिया में भी वन आपको मिलेंगे जो एकदम शास्त्र को एकदम ठीक से पढ़ते हैं, सारे श्लोक उनको कंठस्थ है, और आप कोई भी क्वेश्चन पूछो कोई भी शास्त्र का तुरंत वो आंसर दे देंगे, बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं, फिलोसोफर होते हैं, और उनको पूरा थियोरेटिकल नॉलेज होता है। बट ये श्लोक में हम देखते हैं कि ये ज्ञान से हम भगवान को रियलाइज नहीं कर सकते। जैसे शास्त्र, ऐसा नहीं आपने शास्त्र पढ़ लिया आपको कृष्णा का रियलाइजेशन हो गया, ऐसा नहीं है। कृष्णा जब तक रिवेल नहीं करेंगे तब तक आप कितने भी शास्त्र पढ़ लो, कितने भी पंडित बन जाओ, आप कृष्णा को नहीं समझ पाओगे। जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ऑस्टेरिटी से नहीं समझ सकते, नॉलेज से नहीं समझ सकते, और यज्ञ करके नहीं समझ सकते, चैरिटी से नहीं समझ सकते। तो कृष्णा रिवेल जब तक नहीं करेंगे तब तक हम नहीं समझ। कृष्णा आप कैसे रिवेल करेंगे ये चतुर्श्लोकी में बताते हैं, थोड़े चार श्लोकों में बताते हैं कि मैं कैसे रिवेल करता हूँ अपने आप को। तो ये सारे जो वेदांतिस्ट होते हैं, ये जो ज्ञानी और मेडिटेटर्स और स्पेक्युलेटर्स थिंकर ये जो भी है, उन लोग को ये कंक्लूजन पे आना पड़ेगा कि अहम सर्वस्य प्रभु, कृष्णा इज द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग, कृष्णा इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग। प्रैक्टिकल रियलाइजेशन भगवान का तब होगा जब हम भगवान की प्रेमा भक्ति में लगेंगे, और इसलिए यू नो इस श्लोक के अंदर भगवान वर्ड यूज करते हैं भजन्ते, भजन्ते शब्द यूज करते हैं, और दूसरा शब्द यूज करते हैं भाव समन्विता, भजन्ते और भाव।
तो इसका अर्थ ये होता है कि जो जो बड़े वेदांतिस्ट फिलोसोफर स्पेक्युलेटर्स थिंकर्स फिलोसोफर ये जो भी है ये लोग इंटेलिजेंट तो है, बूढ़ा शब्द भी जैसे इसमें आता है इंटेलिजेंट है, बट इनको कंक्लूजन पे आना पड़ेगा भजनते मां वाले, ये अल्टीमेट उनके लिए उनका रिजल्ट होना चाहिए। कोई भी नॉलेज आप गैदर कर रहे हो उसका अल्टीमेट कंक्लूजन क्या होना चाहिए, इंगेज इन डिवोशनल सर्विस। अगर आप नॉलेज ले रहे हो पर प्रैक्टिकल भगवान की सर्विस नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिकल भगवान से लविंग डिवोशनल सर्विस नहीं कर रहे हो, तब तक प्रोग्रेस नहीं है आपका। तो डिवोटीज क्या होते हैं, वो इंटेलिजेंट भी होते हैं क्योंकि हम वो समझ चुके हैं कृष्णा को, और उनकी वर्शिप उनकी सेवा में भी लग जाते हैं और भाव के साथ सेवा करते हैं। तो ये सारी चीजें भक्त के अंदर हम प्राप्त करते हैं इस श्लोक में। प्रभुपाद इस श्लोक के परपोट में पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि कृष्णा कैसे ओरिजिन है सभी चीजों के, अलग अलग शास्त्रों से, अलग अलग पुराणों से, उपनिषदों से प्रभुपाद कोट करते हैं कि नारायण में से ब्रह्मा बॉर्न हुए, नारायण में से इंद्र बॉर्न हुए, आठ वसु बॉर्न हुए, रुद्र आदित्य ये सब कृष्णा से बॉर्न है। इसलिए बोलते हैं ना अहम सर्वस्य प्रभावो, मैं बता रहा हूं अहम सर्वस्य प्रभावो, सर्वस्य मतलब सब कुछ आ गया, ब्रह्मा भी आ गए, शिवजी भी आ गए, इंद्र चंद्र वरुण वायु सब आ गए, सारे देवी देवता गण भी आ गए। यही पॉइंट प्रभुपाद इस पूरे परपोट में अलग अलग पुराणों से और उपनिषदों से कोट करते हैं और हमें बताते हैं। पढ़िए हाईलाइट पॉइंट ये। भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत हैं और वे सर्व कारण कहलाते हैं। वे स्वयं कहते हैं क्योंकि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न है अतः मैं सबों का मूल कारण हूँ, सारी वस्तुएं मेरे अधीन है, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है, कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं है। जो व्यक्ति प्रमाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है वह अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगाता है और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। तो इस तरह से जब कृष्णा को समझ जाता है गुरु के माध्यम से, शास्त्रों के अध्ययन से, वो अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगाता है और सचमुच विद्वान हो जाता है। यस, पढ़िए आगे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि कभी मूर्खों द्वारा मोहित ना हो, उसे भगवत गीता की समस्त अप्रामाणिक टीकाओं एवं व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए और दृढ़ता पूर्वक कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहिए। क्योंकि डिवोटीज लोग इंटेलिजेंट होते हैं, डिवोटीज लोग के पास नॉलेज होता है, इसलिए जो अनऑथोराइज्ड कमेंट्रीज है भगवत गीता की उनसे उनको अपने आप रिजेक्ट कर लेते हैं, अपने आप उससे दूर रहते हैं और कृष्णा कॉन्शियसनेस में फिक्स रहते हैं। आप लोग इतने समय से भगवत गीता क्लासेस अटेंड कर रहे हो और अभी तक बहुत कुछ आपने नॉलेज गैदर किया, तो आपका एक्शन इस तरह से होना चाहिए कि कोई भी भगवत गीता सामने आपके लेके आए और वो उसमें से कुछ पढ़ रहा है, आप तुरंत उसमें डिटेक्ट कर सको अरे इसके कमेंट्री में ये प्रॉब्लम है। हम लोग ऑथराइज भगवत गीता पढ़ रहे हैं जो चैतन्य महाप्रभु और भगवान कृष्णा की परंपरा से आ रही है, और कोई अन्य कमेंट्री वाली गीता में पढ़े तो हम तुरंत उसमें डिटेक्ट कर सके कि क्या इसमें मिस्टेक है। क्योंकि डिवोटीज जो होते हैं इसमें पता है बूढ़ा शब्द भगवान यूज कर रहे हैं, बूढ़ा भाव, बुधा मीन्स इंटेलिजेंट लाइक दैट। तो ये आठवां श्लोक है जिसमें भगवान बताते हैं कि मेरे भक्त जो होते हैं समझ मुझे इस तरह से समझते हैं कि मैं सबका ओरिजिन हूं और मैं सबका कारण। नेक्स्ट श्लोक में भगवान बताते हैं कि वो मेरी भक्ति में कैसे लगता है, वो भक्त जब वो ये समझ जाता है कि मैं सभी चीजों का कारण हूँ, मैं सभी चीजों का उद्गमन हूँ,
और मैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड हूँ, तो मेरे भक्त लोग, शुद्ध भक्त लोग कैसे मेरी सेवा सर्विस में लगते हैं? नाइन्थ श्लोक में बताते हैं, पढ़िए नाइन्थ। मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। ये वन ऑफ माय फेवरेट श्लोक है। ये श्लोक में क्या बोल रहे हैं भगवान? मत चित्ता, कि मेरे भक्त लोग कैसे सर्विस में लगते, शुद्ध भक्त कैसे लगते। सबसे पहले मत चित्ता, कि उनका चित्त, उनका मन मुझ में लगता है, माइंड को वो लगा के रखते हैं कृष्णा के एब्जॉर्प्शन में, कृष्णा में वो एब्जॉर्ब रहते हैं। तो हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था कि लास्ट टू लास्ट डिस्कस किया था कृष्णा हमारे माइंड चाहते हैं ना, 9.34 मन मना भगवान जब बोलते हैं, और यहाँ पे बोल रहे हैं मत चित्ता। तो भगवान हर बार, यू नो, भगवत गीता में कई बार डिमांड करते हैं, गिव योर माइंड टू मी। और 12.8 नंबर के श्लोक में भी बोलते हैं कि मई एवा मना आधस्व 12.8 में भी डिमांड करते हैं। सो कृष्णा वॉन्ट्स अवर माइंड, क्योंकि जहां मन है वहां पर ही हम है। ऐसा कौन बोल रहा था आज? क्या बोले ना, जहां हमारा मन है वहां हम है, जहां हमारा शरीर है वहां नहीं है हम, और जहां हमारा मन है वहां है। अच्छा पॉइंट बोला मैंने। तो इसलिए कृष्णा डिमांड करते हैं मत चित्ता, डिमांड तो नहीं कर रहे यहाँ पर बता रहे हैं कि मेरे भक्त कैसे मेरी सेवा में या मेरी भजन में लगते हैं। सबसे पहले उनका चित्त मुझ में लगता है, और फिर दूसरा क्या बोलते हैं, मत गत प्राण, कि उनके प्राण भी मुझ में लग जाते हैं। जीवन ना, मेरे भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, कि their lives are fully devoted to my service। तो मतगत, उनके प्राण, मेरे भक्त के प्राण भी उसमें लग जाते हैं। और फिर बोलते हैं बोधयंत परस्परम। इस तरह से जब कृष्णा के विषय में वो चिंतन करते हैं, कृष्णा की सेवा करते हैं, और डिवोटीज आपस में जब मिलते हैं एक दूसरे को, वो बोधयंतस, कृष्णा के विषय में वो डिस्कशन करते हैं परस्परम, एक दूसरे के साथ बोधयंतस परस्परम। सो इसलिए दो डिवोटीज अगर साथ में, या कुछ डिवोटीज मिलके साथ में अगर कृष्णा के विषय में पढ़ें या कृष्णा के विषय में सुनेंगे, तो क्या होगा, उनका चित्त भगवान में लगेगा। इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं भगवान, हम जैसे डिवोटीज के लिए जो अभी पूरा माइंड कृष्णा को नहीं दे पाए, वो कैसे माइंड को कृष्णा में दे सकते हैं? बोधयंतस परस्परम के द्वारा। जब डिवोटी साथ में मिलके कृष्णा का विषय में पढ़ते हैं, सुनते हैं, रीडिंग हियरिंग साथ में करते हैं, और फिर डिस्कस करते हैं, कोई कृष्णा की क्वालिटीज के बारे में बताएगा, कोई कृष्णा की ग्रेटनेस के बारे में बताएगा, कोई कृष्णा के पास्ट टाइम्स के विषय में बताएगा, कोई फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट से बताएगा। तो ये सारे चीजें जब डिस्कशन होती है भक्तों के बीच में, तब उन भक्तों का चित्त कृष्णा में लग पाता है। और ये ही सबसे ईजी तरीका है माइंड को कृष्णा को ऑफर करना, क्योंकि कृष्णा बोल रहे हैं मेरे डिवोटीज क्या करते हैं, मत चित्त मत गत प्राण बोधयंतस परस्परम। ये शुद्ध भक्त क्या कर रहे हैं, उनके सिम्टम्स बता रहे हैं, वो मिलके क्या करते हैं। देखिए तीसरे नेक्स्ट लाइन में लिखा है कथयंतश्च माम नित्यम। कथयंतश मतलब मेरे विषय में बातें करते हैं, किसके विषय में, कृष्णा के विषय में।
कृष्णा के विषय में बातें करते हैं, बोधे अंतस परस्परम करते हैं, कब करते हैं? एवरी मंडे वेनसडे फ्राइडे। क्या लिखा है? नित्यम, मंडे वेनसडे फ्राइडे नहीं। कथयंतश्च माम नित्यम, ऑलवेज, निरंतर, नॉन स्टॉप। और उससे वो क्या थक जाते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा बोलते भगवान, करते करते थक जाते हैं, ऐसा नहीं है। तुष्यंती च रमंती च, उसमें आनंद का अनुभव करते हैं। इधर हम टाइम देखते हैं कब एक घंटा पूरा होगा, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। सो तुष्यंती च रमंती च, उसमें उनको आनंद का अनुभव होता है। और देखिए, जब आप कृष्णा के विषय में, जितना कृष्णा को अगर हमेशा आपको याद करना हो तो क्या करना पड़ेगा? आपको कृष्णा को पहले समझना पड़ेगा, तो ही आप याद कर पाओगे कृष्णा को। और कृष्णा को कैसे समझ सकते हैं? उनके बारे में सुन के। तो जितना आप कृष्णा के बारे में सुनोगे उतना आप कृष्णा को याद कर पाओगे। श्रवणम से स्मरणम दोनों कनेक्टेड है। जितना ज्यादा श्रवण करोगे उतना ज्यादा कृष्णा को समझ पाओगे, फिर कृष्णा को आप चिंतन कर पाओगे, मच्चित तब होगा। तो और जितना आप कृष्णा का चिंतन करोगे, जितना आप कृष्णा का चिंतन करोगे तो क्या आपको और इच्छा होगी कि और श्रवण करें कृष्णा के बारे में? तो श्रवणम और स्मरणम दोनों इंटरकनेक्टेड है। डिवोटीज आपस में जितना श्रवण करेंगे, जितना रीडिंग हियरिंग करेंगे आपस में साथ में, उतना ज्यादा स्मरणम होगा कृष्णा के विषय में। और वो स्मरण के द्वारा, वो इंटरेक्शन के द्वारा, वो सेटिस्फाइड और ब्लिस का अनुभव करेंगे, संतोष और आनंद का अनुभव करेंगे। यही एक्चुअली हमारा लाइफ है, यही एक्चुअली हमारा गोल है। बोधयंतस परस्परम तुष्यंती च रमंती च। हम देखते हैं मटेरियलिस्ट लोग भी क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कर्नाटी क्लब में मिलते हैं और बोधयंतस परस्परम करते हैं। किसका? कोरोना के केसेस कितने हुए हैं, तुमने वैक्सीन ली क्या, तुम्हारा दूसरा डोज था, गवर्नमेंट ने कौन सी न्यू पॉलिसी बनाई है, आज ऑनलाइन मार्केट में क्या बेस्ट चल रहा है, और उसमें वो आनंद का अनुभव करते हैं। बिजनेस कैसे एक्सपांड करें, सेम डिवोटीज लोग प्रैक्टिस करते हैं। कृष्णा के विषय में आज क्या पढ़ा, कौन सी लीला आपने सुनी, आज हियरिंग रीडिंग में क्या किया, साथ में जब गीता भागवतम लिख के बैठते हैं, डीप रियलाइजेशन शेयर करते हैं, तो उनको बहुत आनंद का अनुभव होता है। तो इस तरह से हम अपने माइंड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सबसे इजी तरीका जो भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं, कथयंतश्च माम नित्यम, तुष्यंती च रमंती च, बोधयंतस परस्परम। ये श्लोक में से कनेक्टेड में कुछ आपको भागवतम के श्लोक्स के रेफरेंसेस में आपको बता दूं। ध्रुव महाराज चौथे स्कंद में भागवतम का आता है। एक्चुअली आप देखोगे कि जो महान भक्त जो भी है भागवतम के अंदर, जितने भी प्योर डिवोटीज का वर्णन है, वो लोग अपनी तपस्या से, अपने ध्यान से जब उनको भगवान का दर्शन प्राप्त होता है, जब बहुत बहुत तपस्या करके, बहुत बहुत ध्यान करके, जैसे ध्रुव महाराज ने इतनी सारी तपस्या की, तपस्या करके जब भगवान का दर्शन हुआ, तो भगवान का दर्शन जब मिला तो भगवान से प्रार्थना की ध्रुव महाराज ने। और प्रार्थना में उन्होंने क्या मांगा कि मुझे भक्तों का संग दो ताकि उनके संग में रहकर आपका श्रवण कर सकूं। ये अल्टीमेट गोल है मतलब। तो इसलिए भक्तों के संग में रह के अगर आप श्रवण कीर्तन कर रहे हो कृष्णा का, वो सबसे टॉप मोस्ट ब्लेसिंग है, उससे बड़ी ब्लेसिंग कोई है ही नहीं कृष्णा की। अगर आप डिवोटीज के संग में रह के कृष्णा का श्रवण और कीर्तन कर रहे हो, डेट इज द टॉप मोस्ट ब्लेसिंग। वो ध्रुव महाराज अपने श्लोक में बता रहे हैं। पढ़िए इसका ट्रांसलेशन।
ध्रुव महाराज कंटिन्यूड, ओ अनलिमिटेड लॉर्ड काइंडली ब्लेस मी सो दैट आई मे एसोसिएट विद ग्रेट डिवोटीज हु एंगेज इन योर ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस कॉन्स्टेंटली एज द वेव्स ऑफ द रिवर कॉन्स्टेंटली फ्लो सच ट्रांसेंडेंटल डिवोटीज आर कंप्लीटली सिचुएटेड इन द अनकंटेमिनेटेड स्टेट ऑफ लाइफ बाय द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस आई शैल श्योरली बी able to cross the nascent ocean of the material existence, which is filled with the waves of the blazing fire like a dangers. It will be very easy for me, for I am a becoming mad to hear about your transcendental qualities and pastimes, which are eternally existent. Krishna, यहाँ पे ध्रुव महाराज बोल रहे हैं, please bless me, ताकि मैं आपके भक्तों, महान भक्तों का संग कर सकूं और उनके संग में रह के आपके सेवा में लग सकूं। और इसके एक श्लोक पहले ही ध्रुव महाराज बोलते हैं कि हैप्पीनेस जो आनंद जो है दो चीजों से प्राप्त हो सकता है, आपके चरण कमलों पर ध्यान करके या फिर आपका गुणगान सुन के। Transcendental bliss can be derived from meditating or hearing. भागवत और गीता में भी भगवान बोल रहे मत चित्त और कथयंतश्च। जो गीता में आपको मिलेंगे पॉइंट्स वही सेम भागवतम में आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो एक और इसके रिलेटेड श्लोक आता है पृथु महाराज का। पृथु महाराज क्या प्रे करते हैं कृष्णा से कि मुझे इस संसार में कुछ भी नहीं चाहिए, केवल करोड़ों करोड़ों कान चाहिए जिससे मैं आपका श्रवण कर सकूं। ये प्रभु महाराज प्रार्थना करते हैं, पढ़िए ये प्रार्थना। माय डियर लॉर्ड, आई देयरफॉर डू नॉट विश टू हैव द बेंडिकेशंस ऑफ द मर्जिंग इनटू योर एग्जिस्टेंस, a bendication in which there is no existence of the nectarine beverage of your lotus feet. I want the bendication of at least 1,000,000 years, for thus I may be able to hear about the glories of your lotus feet from the mouth of your pure devotees. तो इसलिए महान महान भक्त लोग भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे आपका भक्तों का संग दो और उन भक्तों में रहकर श्रवण कीर्तन करना है। और गीता में भी भगवान यही बोल रहे हैं, कह रहे हैं मेरे भक्त लोग क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, चित मुझ में लगाते हैं और उसमें आनंद और संतुष्टि का अनुभव करते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त के हृदय में कृष्ण है। वो जब कुछ बोलते हैं, कृष्णा कथा बोलते हैं, तो उनकी जो वाणी है, उनके जो ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन है, वो भगवान के चरणों से, वो वाइब्रेशन भगवान के चरणों तक जाती है और भगवान के चरणों में सैफरन पार्टिकल्स है कुछ, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, बट सैफरन क्या भगवान के केसरी रज बोलते हैं, तो वो वाइब्रेशंस भगवान के चरणों तक जाती है और उस वो चरणों में जो केसरी रज है वो उस वाइब्रेशन के थ्रू हमारे कान में जाती है, वहां से हृदय में जाती है और हमारे हृदय को शुद्ध करती है। इस तरह से शुद्ध भक्त की वाणी, शुद्ध भक्त का संग और उनके एसोसिएशन में श्रवण कीर्तन हमारे हृदय के अंदर जितने भी अनर्थास है, इसलिए डिवोटीज आपस में बैठ के भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम पढ़े, जैसे हम लोग एवरीडे मॉर्निंग करते हैं श्रीमद् भागवतम श्लोक बाय श्लोक हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये इतना हम लोग अभी इमेजिन नहीं कर सकते कि इसके क्या रिजल्ट हमें मिलेंगे। हमें लगेगा बहुत सिंपल एक्टिविटी है, बट इसके रिजल्ट इतने अनइमेजिनेबल है कि बहुत एक एक अनर्थास आपके हृदय से कैसे कैसे निकलते जाएगा आपको अपने आप पता चलेगा। केवल एवरीडे गैदर होंगे अगर हम भागवतम को स्टडी करने के लिए, भगवत गीता को स्टडी करने के लिए, ऑटोमेटिकली हमारे हृदय ऐसे क्लीन होगा। हम अपने प्रयासों से अपने अनर्थों को हटाने जाएंगे या इंद्रियों मन को कंट्रोल करने जाएंगे वो बहुत 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 डिफिकल्ट है, बट एक ये केवल इसलिए तो ये शुद्ध भक्त लोग प्रार्थना कर रहे हैं इतना कृष्णा से कि मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे
ब्रह्म में लीन होना है, ना कोई इस भौतिक संसार का टॉप मोस्ट बेनिडिक्शन चाहिए, मुझे सिर्फ आपको भक्तों का संग चाहिए और उसमें मैं श्रवण कर सकूं। तो परपोट के अंदर जो है एक्सप्लेन करते हैं, ये पढ़िए इसका हाईलाइट। श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षणों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। भगवत भक्त परमेश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं के गान में अहर्निश लगे रहते हैं। उनके हृदय तथा आत्माएं निरंतर कृष्ण में निमग्न रहती है और वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करने में आनंद आनंद अनुभव करते हैं। तो जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जब मिलते हैं, बोधेन्द्रस परस्परम तुष्यन्ति च रमन्ति, तो हमारे आचार्य एक्चुअली यही एग्जाम्पल लेते हैं। लड़के लड़की जब मिलते हैं दोनों, तो चर्चा करते हैं तो इतने एब्जॉर्ब हो जाते हैं कि उन्हें पता नहीं है दिन का रात कब हो गया, सुबह के 8 शाम के 8 कब बज कन्वर्ट हो गए, पता नहीं चलता है। और उसमें वो आनंद और संतुष्टि का अनुभव करते हैं एक दूसरे। तो मेरे भक्त भी ऐसे करते हैं अर्जुन, मेरे भक्त भी एक दूसरे से मिलते हैं, मेरे बारे में चर्चा करते हैं, मेरे बारे में डिस्कस करते हैं। और कब शाम को 7 से 8 जूम पर ऑनलाइन टाइम निकल जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता है। तो इतने एब्जॉर्ब रहते हैं, ये शुद्ध भक्तों के लक्षण है। पढ़िए ये। जब पूर्ण पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है तो मनुष्य पूर्णतया भगवत प्रेम में लीन हो जाता है। तब तक वह एक क्षण भी परमेश्वर के बिना नहीं रह पाता, जिस प्रकार की मछली जल के बिना नहीं रह सकती। ऐसी अवस्था में भक्त वास्तव में परमेश्वर के संसर्ग से दिव्य गुण प्राप्त कर लेता है। प्रभुपाद इस परपोट में भक्ति लता बीज, भक्ति को एक बीज से कंपेयर कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, हम लोगों ने सुना होगा बट कई लोगों ने नहीं सुना होगा, कि चैतन्य चरितामृत के अंदर चैतन्य महाप्रभु बताते हैं भक्ति जो है एक बीज की तरह है। वो बीज क्या है? जब हम शुद्ध भक्तों के मुख से भगवान की जब कथा सुनते हैं, वो कथा जो वो श्रवण जो होता है वो बीज होता है जो हमारे हृदय में बोया जाता है। हमारा हृदय जो है एक मैदान की तरह है, एक लैंड की तरह, फर्टाइल लैंड, और उस लैंड में भक्ति लता बीज बोया जाता है। अभी बीज में, बीज को ग्रो करने के लिए क्या करना होता है? पानी डालना होता है। वो पानी क्या है? श्रवणम और कीर्तनम, पानी। जैसे जैसे जितने भक्त लोग जितना हियरिंग रीडिंग करेंगे, ऐसे वो भक्ति लता बीज ग्रो होते जाएगा होते जाएगा। और वो बीज ग्रो होते जाता है और इतना ग्रो हो जाता है कि इस यूनिवर्स के कवरिंग को क्रॉस करता है, वैकुंठ में जाता है, फिर गोलोक वृंदावन जाता है और भगवान के चरण कमलों को टच कर लेता है। ये वहां तक कब पहुंचेगा? जब हम कंटिन्यूअस पानी डालते रहेंगे। वो पानी क्या है? श्रवणम कीर्तनम, भगवान के विषय में जितना हम सुनेंगे उतना भक्ति लता बीज ग्रो होगा। और फिर उस बीज, भक्ति लता बीज में फल भी उगते हैं, फूल भी उगते हैं, फिर वो भक्त जो होता है वो फल को टेस्ट करता है तो तुष्यंती च रमंती च होते हैं, मतलब उसको आनंद का अनुभव होता है। तो इसलिए इस श्लोक में बोल रहे हैं कि जब ये पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है तो तब वो व्यक्ति पूरा भगवत प्रेम में लीन हो जाता है और एक क्षण भी भगवान के बिना रह नहीं सकता, जैसे मछली पानी के बिना रह नहीं सकती। पर जब तक हमारा ये भक्ति लता बीज वहां तक नहीं पहुंचता है, हमें पानी देते रहना है, और पहुंच जाए तो भी पानी देते रहना है। इसलिए श्रवण कीर्तन एक साधन है और भगवान का प्रेम प्राप्त करना वो साध्य है। साध्य को क्या बोलते हैं? मतलब समझे, साध्य मतलब, साध्य मतलब लक्ष्य, और श्रवण कीर्तन वो है साधन। तो साधन भक्ति के अंदर
ऐसा बताते हैं, भक्ति के अंदर साधन और साध्य दोनों एक ही है। जैसे मटेरियल वर्ल्ड में एग्जांपल दो मैं अगर दूं, तो हमारा गोल है बॉम्बे जाना और साधन क्या है, ट्रेन। ठीक है, ट्रेन और बॉम्बे दोनों अलग अलग वस्तु है, एक नहीं है। पर भक्ति के अंदर क्या है, साधन और साध्य दोनों एक ही है। मतलब आप श्रवण कीर्तन करो और भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा, तो भी श्रवण कीर्तन करोगे, समझा। इसलिए हम ये सोचते ना कि मैं जब श्रवण कीर्तन अच्छे से साधना भक्ति करूंगा और भगवत नाम जाऊंगा तो उधर क्या होगा, उधर भी यही होगा, श्रवण कीर्तन ही करना है, क्योंकि वही गोल है, वही मीन्स है एंड वही गोल है। क्योंकि भगवान इधर बोल रहे हैं मेरे शुद्ध भक्त क्या करते हैं, थोड़ी ना उनके अंदर लाइट जलती है और फिर कुछ होता है उनका, बट बोल रहे हैं कि वो भी हियरिंग रीडिंग श्रवण कीर्तन ही करते हैं। मतलब ये गलत धारणा है कि मैं वो, प्रभु जी ने कहा है हियरिंग रीडिंग रोज करो, तो देखते हैं फिर क्या होता है आगे, करते हैं चलो, करते जाते हैं, उससे लगता है कुछ हो नहीं रहा है, बट गोल ही ये है हमारा कि नित्य कथयम तस्य मां नित्यम, यही गोल है। तो मीन्स भी वही है और गोल भी वही है। जिस साधन को आप यूज कर रहे हो गोल पहुंचने के लिए, वो जब गोल मिल जाएगा तो वो साधन भी गोल ही है आपका। तो अब हमने श्रवण कीर्तन कर लिया अच्छे से, तो यस ओपी प्रभु। प्रभु जी, वाटरिंग का आपने बताया कि श्रवण और कीर्तन करना चाहिए, तो उसमें दो तीन पॉइंट और भी थे जो आपने पहले बताया था, तो वो मुझे थोड़ा समझना था। जैसे धूप डीओटीज का एसोसिएशन के द्वारा, जैसे कि एक पौधे को बाड़ लगाया जाता है उसकी रक्षा करने के लिए, तो वो पॉइंट समझना था आगे। कौन सा, मतलब मैं समझा नहीं क्वेश्चन आपका। आपने एक बार ऐसा लेक्चर में बताया था कि जैसे हम कोई पौधा लगाते हैं तो हम उसको वाटरिंग करते हैं और वो ग्रो करता है, लेकिन उसकी रक्षा करने के लिए भी हम आजू बाजू उसको तार लगाते हैं या बांधते हैं, तो उसी प्रकार डीओटीज का भी एसोसिएशन कुछ इस तरह से रहता है जो भक्ति लता बीज को प्रोटेक्ट करता है, वो पॉइंट कुछ मतलब थोड़ा क्लियर करना था मुझे। हाँ, मतलब भक्ति लता बीज कंपैरिजन दिया है बहुत सारा, चेतना चैतन्यमृत में आता है इसका डिस्क्रिप्शन। और जैसे पौधे को हम ग्रो करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसे भक्ति लता बीज को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि हम अपराध नहीं करें। जैसे अगर कोई पक्षी या कोई हाथी या फिर कोई भी ऐसे जंगली जानवर आ जाए गार्डन, तो पूरा बागीचा बिगाड़ देंगे। उसी तरह हम भी ऐसे अगर वैष्णव अपराध करेंगे या दूसरे अपराध करेंगे, तो ये सारे अपराध वो हाथी और कीड़े मकोड़े की तरह है जो वो पौधे को नष्ट कर देगी, तो इसलिए उसको फेंसिंग किया जाता है ताकि कोई भी इधर उधर का प्राणी नहीं है। तो वो फेंसिंग क्या है, भक्तों का एसोसिएशन, ताकि हम गलत कार्य नहीं करें। तो एसोसिएशन एक फेंसिंग की तरह है, और हमारा हृदय जो एक फर्टाइल सॉइल की तरह है, और पानी जो है वो श्रवण कीर्तन की तरह है जिसमें हम जल लेते हैं। और जब हम पौधा ग्रो करते हैं तो हम देखते हैं कि उपजाऊ बीज भी उग जाते हैं, कुछ लोग बीट्स बोलते हैं उसको। बीट्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, हिंदी में खरपतवात, मतलब बीट्स। ठीक है, तो अनवांटेड बीट्स ग्रो भी हो जाते हैं जो उस पौधे की तरह ही दिखते हैं, सेम उस पौधे की तरह देखेंगे पर एक्चुअली वो पौधा नहीं है। तो अगर हम अपना श्रवण कीर्तन, मतलब अगर हम पानी उस बीज में नहीं डालेंगे अच्छे से, तो पानी कहाँ जाएगा, उस बीज में जाएगा, वो ग्रो होने लगे, आपका वो जो मेन पौधा है वो ग्रो नहीं होने लगे। इसलिए ध्यान से अगर आप श्रवण कीर्तन नहीं करोगे तो क्या ग्रो होगा, आपके अनर्था ग्रो होते जाएंगे फिर। इसलिए हम देखते हैं भक्त हो गया है पर ऐसा करता है क्योंकि उसके वो वीड्स ग्रो हो गए, उसने पानी गलत जगह दिए। तो इसलिए भक्ति लता बीज को भी पानी पहुंचे तो ध्यान से चैंटिंग करना होगा, ध्यान से रीडिंग, ध्यान से हियरिंग करना होगा।
जल फिर कहीं और चला जाएगा तो कुछ और गुरु हो जाएगा, आपका लगेगा मैं भक्ति कर रहा हूँ, क्योंकि वो वीड्स भी भक्ति लता बीज जैसे ही दिखते हैं सेम टू सेम। इसलिए नॉलेज चाहिए और वीड्स को काटते रहना चाहिए रेगुलर बेसिस पे, ताकि हम भक्ति लता बीज को प्रोटेक्ट कर सकें। तो अनर्थों को हमें काटते रहने चाहिए प्रॉपरली, ध्यान से श्रवण कीर्तन करेंगे तब। और उस बीज को ग्रो करने के लिए सूर्य की किरणें भी चाहिए, तो सूर्य की किरणें नहीं होगी तो बीज ग्रो नहीं करेगा। तो सूर्य की किरणें क्या है, सीनियर्स के एसोसिएशन में या सीनियर्स के गाइडेंस के आधार पे। अगर आपके पास सीनियर का गाइडेंस नहीं है, कोई अच्छे डिवोटीज का गाइडेंस नहीं है, अपने हिसाब से आप पानी बोगे पर धूप नहीं है अगर, तो उसको स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। और उस बीज को अंदर ग्रो करने के लिए खाद भी डालते हैं ताकि वो फर्टाइल रहे लैंड एकदम से। तो वो खाद क्या है, इमोशनल केयर, डिवोटीज का केयर, आपस में एक दूसरे का कितना केयर करते हैं, ताकि अच्छे से श्रवण कीर्तन का अच्छे से पानी पहुंचे बीच में रूट्स में। तो वो केयरिंग डिवोटी केयर, सीनियर का गाइडेंस और श्रवण कीर्तन और वीड्स को काटना, अलवनर्थ को काटना, इस तरह से चैतन्य महाप्रभु बहुत ब्यूटीफुली कंपेयर करते हैं भक्ति लता बीज को। तो नेक्स्ट श्लोक में भगवान बोलते हैं कि मेरे भक्त जो है, तो ये लेक्चर थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मुझे चार श्लोक कंप्लीट करने हैं आज, अभी तक हमने दो ही श्लोक कंप्लीट किए, तो ये लंबा चलेगा। जिसको अगर कुछ बिजी स्केड्यूल है, जिन्हें लगता है श्रवण कीर्तन से ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है, तो वो लोग लीव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अदरवाइज हम ये चार श्लोक खत्म करके ही क्लास एंड करेंगे, बिकॉज ये इसेंस है चतुर्थ श्लोक की भगवत गीता। खीर प्रो आपको भी अगर घर पे हो कुछ काम तो आप ऑनलाइन। तो अभी भगवान बताते हैं कि मेरे भक्त लोग कंटिन्यूस मेरी सेवा में मत चित मत गत प्राण करते हैं, तो अब मैं क्या करता हूँ। पहले दो श्लोक भक्त क्या करते हैं, लास्ट के दूसरे दो श्लोक मैं क्या करता हूँ। मेरे भक्त लोग क्या करते हैं, मुझे समझ जाते हैं, मेरी भक्ति में लगते हैं, कैसे भक्ति में लगते हैं, कथयंत समाम करके। अब मैं क्या करता हूँ, वो दसवें श्लोक में भगवान बोलते हैं। यस पढ़िए 10th श्लोक। तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम एनमाम उपयंति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो तेषाम सतत युक्तानाम, वो लोग जो सतत मेरी सेवा में लगे, सततम युक्तानाम, मुझसे कंटिन्यूअसली मुझसे कनेक्टेड है सेवा के द्वारा, वो लोग क्या करते हैं, भजताम प्रीति पूर्वकम, वो प्रेम पूर्वक लगे। मतलब कृष्णा एकदम क्लियर कट बोल रहे हैं कि रिचुअल से अगर आप कर रहे हो भक्ति तो मैं ददामी बुद्धि योगम नहीं देता हूँ, लिखा है ना लास्ट थर्ड लाइन में, ददामी उनको मैं क्या, ददामी बुद्धि योग, उनको मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ। पर जो रिचुअल के साथ करते हैं, रिचुअल पूर्वकम जो है, उनको मैं बुद्धि प्रोवाइड नहीं करता। क्लियर कट है, प्रीति पूर्वकम भगवान बोल रहे हैं, विथ लव तब मैं उनको भक्ति प्रदान करता हूँ, और तब मैं सॉरी उनको बुद्धि प्रदान करता हूँ, और वो बुद्धि से वो समझ सकते हैं कि मुझ तक कैसे पहुंच सके। कृष्णा वो इंटेलिजेंस देते हैं उन डिवोटीज को, किन डिवोटीज को, जो सततम युक्ता नाम वाले, जो कीर्तयंतश, जो कथयंतश माम नित्यम वाले, इन डिवोटीज को कृष्णा ददामी बुद्धि योग प्रोवाइड करते हैं, और वो इंटेलिजेंस से वो लोग समझ सकते हैं कि मुझ तक कैसे पहुंच सके। ये श्लोक में
भगवान बता रहे हैं। सो बुद्धि योग शब्द यहाँ पे भगवान यूज कर रहे हैं, जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, आपको अगर याद हो सेकंड चैप्टर में कौन से श्लोक में, कहीं कोई श्लोक में आता है जिसमें भगवान बुद्धि योग का शब्द उसमें इस्तेमाल करते हैं, और प्रभुपाद उस परपोट के तात्पर्य में लिखते हैं कि बुद्धि योग का अच्छा डिस्क्रिप्शन 10th चैप्टर में आपको इस श्लोक में मिलेगा। चैप्टर 2 टेक्स्ट नंबर 39, उसमें प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं कि बुद्धि योग का आपको डिस्क्रिप्शन 10th चैप्टर में आपको डिटेल में और अच्छे से प्राप्त होगा। और इंटेलिजेंस यहाँ पे जो है, जिस जो भगवान जो बात कर रहे हैं इंटेलिजेंस की, वो इंटेलिजेंस क्या है कि तेषाम सतत बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस, योग मतलब कनेक्शन। तो वो इंटेलिजेंस कहाँ से आती है? कृष्णा से, जो परमात्मा के फॉर्म में सबके हृदय में है, वो वहां से वो इंटेलिजेंस आती है। तो जब हम कृष्णा कॉन्शियस बनते हैं और इंटेलिजेंस जब कृष्णा प्रोवाइड करते हैं, तब हम समझ पाएंगे कि कृष्णा तक कैसे पहुंचा जाए, और इसको बुद्धि योग बोलते हैं। बुद्धि योग मतलब क्या कि कृष्णा का नॉलेज मिला और वो नॉलेज के माध्यम से हम सेवा कर रहे हैं, और सेवा के बाद हमको इंटेलिजेंस मिलता है कि किस तरह कृष्णा तक पहुंचा जाए, इसको बुद्धि योग बोलते हैं। सो अभी कैसा है कि हमारी चेतना तीन प्रकृति के तीन गुणों से ढकी हुई है, इसलिए हम कृष्णा की दी हुई इंटेलिजेंस को यूज नहीं कर पाते। कृष्णा तो रेडी है हमेशा भगवत धाम ले जाने के लिए सबको, बट अभी हमारी चेतना दूषित है तीन गुणों से, और इसलिए हम कृष्णा की दी गई इंटेलिजेंस को समझ नहीं पाते। परमात्मा जो हमको आवाज दे रहे हैं, परमात्मा का शोर, हम परमात्मा की आवाज हमें सुनाई नहीं देती है, क्योंकि भौतिक इच्छाओं का आवाज इतना जोर से है हमारे हृदय के अंदर कि परमात्मा की आवाज ढक जाती है, उसमें हम सुन नहीं पाते। इसलिए भौतिक इच्छाओं का ये शोर शराबा जो हमारे अंदर चल रहा है ना, उसको पहले शांत करना, उसका वॉल्यूम आपको म्यूट करना पड़ेगा। पहले वो म्यूट करोगे तब आपको परमात्मा की आवाज सुनाई देगी। म्यूट कैसे होगा? कथयन्तश्च माम नित्यम। जब हम कॉन्स्टेंट हियरिंग रीडिंग करेंगे तब हम कृष्णा की परमात्मा वाली आवाज को हम सुन पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमें डिवोटीज के एसोसिएशन में जाना है, वहां सुनना है, और जब वो हम श्रवण करेंगे तब हम समझ पाएंगे कि मेरा कृष्णा से क्या रिलेशन है, कृष्णा मेरे हृदय में परमात्मा के फॉर्म में है और मुझे इंस्ट्रक्शंस देने के लिए वो रेडी बैठे हैं। आई हैव टू प्रिपेयर माई सेल्फ। और फिर जब हम प्रिपेयर हो जाते हैं तब वो परमात्मा बाहर, वही परमात्मा बाहर आ जाते हैं। किस रूप में? गुरु के रूप में। गुरु के रूप में वो बाहर प्रकट हो जाते हैं और फिर हमको बाहर से गाइडेंस देते हैं कि अभी आप ये करो, अभी आप ये सेवा करो, या कोई गाइड के फॉर्म में आपके सामने प्रकट होते हैं, वो आपको गाइड करते हैं, इस तरह से आप भक्ति करो, इस तरह से आप इसमें आगे प्रोग्रेस करो। तो इसलिए वो परमात्मा, वो जो गुरु है, वो विष्णु तत्व नहीं है, और उनका मैसेज जो है वो विष्णु के बारे में, पर वो खुद विष्णु तत्व नहीं है, वो जीव तत्व है ना। तो परपोर्ट में प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं बुद्धि योग का ही थोड़ा अच्छे से। ये पढ़िए, इसमें इस एक्चुअली परपोर्ट में समझाते हैं प्रभुपाद कि कैसे कृष्णा हेल्प करते हैं डिवोटीज को। भले अगर डिवोटी के पास इंटेलिजेंस नहीं है शास्त्रों को समझने की, अगर डिवोटी के पास इंटेलिजेंस नहीं है शास्त्रों को समझने की,
या फिर उससे इंटेलिजेंस नहीं है कि भक्ति में आगे कैसे बढ़ूं, तो कृष्णा उसको हेल्प करेंगे कैसे भक्ति में आगे बढ़े अगर वो सिंसियर है तो। अगर उसके पास नॉलेज नहीं कि कैसे आगे बढ़ा जाए, पर अगर वो सिंसियर है सेवा में लगा है अच्छे से, पर भले नॉलेज नहीं है भले इंटेलिजेंस नहीं है, पर कृष्णा उसके हृदय में उसको हेल्प करेंगे, ये परबोर्ड में लिखते हैं। पढ़िए। जब व्यक्ति प्रमाणिक गुरु के होते हुए तथा आध्यात्मिक संघ से संबंध रहकर भी प्रगति नहीं कर पाता क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है, तो कृष्ण उसके अंतर से उपदेश देते हैं जिससे वह सरलता से उन तक पहुंच सके। इसके लिए जिस योग्यता की अपेक्षा है वह यह है कि कृष्ण भावनामृत में निरंतर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा की जाए। उसे कृष्ण के लिए कुछ न कुछ कार्य करते रहना चाहिए किंतु प्रेम पूर्वक। यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है कि आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर सके किंतु यदि वह एकनिष्ठ रहकर भक्ति कार्यों में रत रहता है तो भगवान उसे अवसर देते हैं कि वह उन्नति करके अंत में उनके पास पहुंच जाए। तो कृष्णा उनको अंडरस्टैंडिंग देते हैं, ये स्पेशलिटी है। कृष्णा अपने डिवोटीज के साथ जो सततम युक्तानाम वाले डिवोटीज हैं उनको वो स्पेशल इंटेलिजेंस देते हैं। पर एक आचार्य श्लोक में लिखते हैं कि भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं वो केवल सुन के ही कृष्णा को नहीं समझ जाते, पर कृष्णा भी उनके हृदय में जाते हैं और उनको रिवील करते कि मैं कैसा हूं, तो वैसे भी वो समझते हैं कृष्णा को। कृष्णा उनके हृदय में एंटर करते हैं और अपना रिवेलेशन देते हैं, इसको बुद्धि योग बोलते हैं। तो जीवात्मा कई जन्मों से अज्ञानदास में ढका हुआ है, तो वो ट्रू इंस्पिरेशन, वो ट्रू नॉलेज, वो ट्रू रियलाइजेशन उसको कैसे प्राप्त होगा, कृष्णा उसको किस तरह से एग्जैक्ट अभी हेल्प करते हैं, 11वें श्लोक में भगवान बोलते हैं। पढ़िए। तेसाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानम जम तमः नाशयम्य आत्म भवस्ततो ज्ञानादीपेन भास्वता। Yes. मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं तेषाम एवानुकंपार्थम। तेषाम का मतलब क्या है हिंदी में, क्या है उनके लिए, मतलब किनके लिए, जो सततम युक्तानाम वाले हैं, जो 10वें श्लोक में बोल रहे हैं कॉन्स्टेंटली जो मेरी सेवा में लगे हैं उनके लिए मैं क्या करता हूँ, एवानुकंपार्थम अनुकंपा देता हूँ, उनको कृपा देता हूँ। कैसे? अहम अज्ञान जन तमा, कि मैं उनका अज्ञानता को दूर कर देता हूँ, अज्ञानता के तम को अंधकार को दूर कर देता हूँ। कैसे करता हूँ? नाश्यामी आत्म भव, उनके हृदय में जाके स्थित होके ज्ञान का दीप जलाता हूँ, ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान का दीप जलाता हूँ और वो ज्ञान के दीप से प्रकाश से उनका जो अंधकार है वो दूर हो जाता है। तो कृष्णा ये स्पेशल मर्सी उन डिवोटीज को देते हैं जो कॉन्स्टेंटली उनकी सेवा में लगे हैं। तो कृष्णा पर्सनली डिस्ट्रॉय करते हैं अज्ञानता को, कैसे? ज्ञान के दीप को जला के, ज्ञान दीप में भास्वता। इस पढ़िए इसका हाईलाइट। कभी कभी भक्तों की आलोचना दार्शनिक यह सोचकर करते हैं कि भक्तगण अंधकार में है और दार्शनिक दृष्टि से भोले भाले भावुक हैं, किंतु यह तथ्य नहीं है। ऐसे अनेक बड़े बड़े विद्वान पुरुष हैं जिन्होंने भक्ति का दर्शन प्रस्तुत किया है, किंतु यदि कोई भक्त उनके इस साहित्य का या अपने गुरु का लाभ ना भी उठाए और यदि वह अपनी भक्ति में एकनिष्ठ रहे तो उसके अंतर से कृष्ण स्वयं उसकी सहायता करते हैं। अतः कृष्ण भावनामृत में रत एकनिष्ठ भक्त ज्ञान रहित नहीं हो सकता। इसके लिए इतनी ही योग्यता चाहिए कि वह अभी वह पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर भक्ति संपन्न करता रहे। तो कृष्णा इस श्लोक में बताते हैं, देखो पहले तो कृष्ण ने 8वें श्लोक में क्या बोला कि मेरे भक्त समझते हैं कि मैं सभी चीजों का कारण हूँ, सभी चीज का ओरिजिन हूँ। तो क्या करते हैं वो मेरी भक्ति में लगते हैं। कैसे लगते हैं? मत चित्त मत गत प्राण वाले बोधे अंतस्परस्वरम। और फिर मैं क्या करता हूँ,
उनको अंडरस्टैंडिंग देता हूँ तो वो मेरे पास आ सके, और रेसिप्रोक कृष्णा अभी आदान प्रदान कैसे करते हैं भक्तों के साथ, वो 11वें श्लोक में बता रहे हैं कैसे आदान प्रदान करते हैं। उनके हृदय में मैं ज्ञान का दीप जलाता हूँ, तो कृष्णा भी रेसिप्रोकेट करते अपने भक्तों से। तो प्रैक्टिकली देखें भगवत गीता में केवल भक्ति का ही डिस्क्रिप्शन है। आज मार्केट में हजारों हजारों प्रकार की भगवत गीता है, कोई बोलता है भगवत गीता से मैनेजमेंट, कोई बोलता है भगवत गीता से पॉलिटिक्स, कोई बोलता है भगवत गीता से कुकिंग, ऐसे भी लोग मिले भगवत गीता से कुकिंग सीख सकते हैं हम, भगवत गीता से पेंटिंग सीख सकते हैं, भगवत गीता से काउंसलिंग सीख सकते हैं, पर भगवत गीता क्या है एग्जैक्ट? कृष्णा भक्ति। और मैनेजमेंट भी है अगर, या जो कुछ भी है वो कृष्णा कॉन्शियसनेस वाली है। तो आज हम कृष्णा को साइड में करके भगवत गीता पढ़ते लोग, तो वो मतलब पूरा ब्लंडर है। कृष्णा को साइड में करके जो भगवत गीता पढ़ता है, यहाँ पे बोल रहे हैं कृष्णा की प्योर भक्ति करनी चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमें हरे कृष्ण महामंत्र दिया है और हम लोग हरे कृष्णा पूरा कीर्तन करते रहते हैं, तो लोगों को क्या लगता है कि ये सब लोग भावुक नाम है, इनके पास कुछ ज्ञान नहीं है, खाली कीर्तन कीर्तन करते रहते हैं। पर कृष्णा इधर क्या बोल रहे हैं, मैं उनके हृदय में ज्ञान का दीप जलाता हूँ। तो अब भक्त जो होता है वो अज्ञानी नहीं होता है, ये हमें समझना होगा। लोग जो हम बोलते हैं कि आलोचना करते हैं कि ये भक्तगण जो है अंधकार में रहते हैं और ये फिलोसोफर्स जो बोलते हैं जो भी, तो उनको ये श्लोक हमें पढ़ाना चाहिए। भक्त जो होता है अज्ञानता या फिर मूर्ख नहीं होता है, उसके पास पूरा ज्ञान आ जाता है और वो ज्ञान से वो जैसे रामानुजाचार्य की एक स्टोरी आती है, कुछ ऐसा होता है कि गुरुजी लेक्चर देते हैं और शिष्य सब सुनते हैं, पर एक शिष्य ऐसा होता है कि वो किचन में कुकिंग कर रहा होता है भगवान के लिए, तो उसको लेक्चर में बैठने का टाइम ही नहीं मिलता था, वो मतलब कभी बैठता ही नहीं था लेक्चर में, इतना उसको सेवा रहती थी मैं कंटिन्यूस किचन में रसोई बनाना भगवान के लिए, और इवन भक्तों के लिए भी वो रसोई बनाता था। तो सभी डिवोटीज ने कंप्लेन कर दी कि ये जो है ये आपका जो शिष्य है ये आपके लेक्चर में नहीं बैठता है, पर इसको सारा दिन किचन में पता नहीं क्या करता है, ऐसा कंप्लेन कर दी। तो गुरु तो सब जानते हैं, तो गुरु ने उसको बुलाया, तो गुरु ने कुछ प्रश्न पूछे और वो श्लोक पे श्लोक बोलते जा रहे हैं। कौन? वो किचन वाला डिवोटी, उसने कभी लेक्चर में बैठा नहीं होता है, बट क्योंकि वो सेवा में इतना एब्जॉर्ब है, इतना प्रेम पूर्वक सेवा कर रहे हैं कि ऑटोमेटिकली उसको सारा ज्ञान हृदय प्रकाश दिव्य ज्ञान गाते है कि नहीं रोज, तो उसमें क्या लाइन आती है, चक्षुदान दिलो जयी जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो प्रेमा भक्ति जाओ अविद्या विनाश। तो ये पूरा उसने प्रैक्टिकली उसने अपने जीवन में देखा जब वो कंटिन्यूस सेवा में, इसलिए सेवा भक्त लोग जो अगर सब सेवा में एब्जॉर्ब रहेंगे तो अपने आप उनको नॉलेज मिलेगा, ऐसा नहीं नॉलेज आएगा फिर मैं भक्ति करूंगा, भक्ति से अज्ञानता दूर होती है और ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान का दीप तब जलता है। यस बड़ी आगे। शुद्ध भक्त के हृदय में तो कृष्ण निरंतर रहते हैं और कृष्ण की उपस्थिति सूर्य के समान है जिसके द्वारा अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। शुद्ध भक्त पर भगवान की यही विशेष कृपा है। तो ये विशेष कृपा है, हमें नॉलेज मिलते हैं, कृष्ण हमें इंटेलिजेंस देते हैं कि अब क्या करना चाहिए, अब कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हर कभी अब कभी फ्यूचर में ऐसा समय भी आएगा कि हमारे आसपास भक्त नहीं होंगे, तब कृष्णा उस भक्त को इंटेलिजेंस देते हैं कि अब क्या करना चाहिए। ऑफ कोर्स ये सीन तब आता है जब हम भक्ति में मैच्योर हो गए होते हैं, तो हमें जितना हो सके तब तक भक्तों का संग अधिक से अधिक लेना चाहिए, और भक्तों के संग में रह के जितना आप ज्यादा श्रवण कीर्तन करोगे तो ही आप तुष्यंती रमंती च
को अनुभव कर पाओगे, अकेले आप नहीं कर पाओगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखते हैं इसमें प्रभुपाद, पढ़िए। शुद्ध भक्त जीवन की भौतिक आवश्यकताओं के लिए चिंता नहीं करता, ना तो उसे कोई और चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि हृदय से अंधकार हट जाने पर भक्त की प्रेमा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान स्वतः सब कुछ प्रदान करते हैं। यही भगवद गीता का उपदेश सार है। भगवद गीता के अध्ययन से मनुष्य भगवान के शरणागत होकर शुद्ध भक्ति में लग जाता है। जैसे ही भगवान अपने ऊपर भार ले लेते हैं, मनुष्य सारे भौतिक प्रयासों से मुक्त हो जाता है। तो शुद्ध भक्त जो होता है अपने भौतिक नेसेसिटीज, भौतिक आवश्यकताओं की भी चिंता नहीं करता है, और ना तो उसको और कोई चिंता रहती है, क्योंकि उसके हृदय में भगवान इतना नॉलेज दे देते हैं और इतना क्या बोलते हैं ज्ञान का दीप जला देते हैं कि उसकी सब आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। यस खुशबू माता जी। प्रभु जी, जो मतलब सर्विस करने के लिए भी थोड़ा सा ज्ञान तो इम्पोर्टेंट है ना। ऑफ कोर्स कुछ लोग होते हैं कि जिनको जैसे जन्म से ही सर्विस सिखाई जाती है और उसके बाद नॉलेज दिया जाता है, लेकिन जिनको जन्म से सिखाया नहीं जाता वो पहले नॉलेज लेते हैं उसके बाद सर्विस में लगता है, तो वो कैसे? तो जिसको जन्म से सर्विस नहीं सिखाई देती है तो उसको जो नॉलेज मिलता है, उसको जो नॉलेज दिया जाता है, वो नॉलेज उस सर्विस का ही पार्ट होता है कि कैसे वो सर्विस करनी चाहिए, क्यों वो सर्विस करनी चाहिए, किस भाव से वो सर्विस करनी चाहिए, तो वो उस सर्विस का ही एक पार्ट एंड पार्सल है। तो वो ज्ञान जो है वो भी भक्ति का ही पार्ट है ऐसा, तो इसलिए उसको वो ऑर्डिनरी ज्ञान नहीं है, वो दिव्य ज्ञान बोलते हैं उसको, जो वो भी वो डिवोटी दे रहा है उसको। तो डिवोटी के संग में रहेंगे तो हमें दिव्य ज्ञान मिलेगा, और वो दिव्य ज्ञान को यूज करके हम जो भी सेवाएं करेंगे, और फिर वो सेवा से ज्ञान दीपे न भास्वत होगा, भगवान वो ज्ञान के दीप को जलाएंगे। यस हाँ यस सेवा होगी फर्स्ट, एक्चुअली इवन श्रवण कीर्तन जो है वो भी एक सेवा ही है एक प्रकार से देखे तो, वो भी एक सर्विस है। तो वो सर्विस से हमें नॉलेज मिलता है, और वो नॉलेज से फिर हम और सर्विस करते हैं, इस तरह से ये एक्ट करता है, सब कुछ इंटर रिलेटेड है। हमें बस डिवोटीज के एसोसिएशन में रहना है, और मत चित मत गत प्राण करना है, कथयंतश्च माम नित्यम करना है, सततम युक्ता नाम करना है, भजताम प्रीति पूर्वकम करना है, और फिर कृष्णा सब अपना कार्य करे। यस अनंत प्रभु। हाँ प्रभु, मतलब इसका एक बेस्ट एक लाइव एग्जांपल है, हम जो जेओएसडी लेते हैं, तो मेरा मतलब मैं खुद का एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस कि जेओएसडी थ्रू मुझे वो ज्ञान मिला और उसका भी यूज मैं मेरे सर्विस में लगा रहा हूँ, तो वो जो सर्विस है वो पूरी मतलब उस भाव से हो रही है अभी। यस चाहे आपने जीएसडी क्लास अटेंड किया, कुछ समय माला की और फुल टाइम ज्वाइन हो गए, सो यू नो ये पास्ट लाइफ का भी इफेक्ट है कि उन्होंने इतना होमवर्क किया है कि 6 महीने में ये फुल टाइम भक्त जुड़ गए, कन्विंस्ड हो गए कि भगवान को ही जीवन दे देना है। So, ज्ञान दीपे ना इस तरह से ये एक्ट करता है, वो एनलाइटन जब तक नहीं आता है ना, अंदर से कंफ्यूजन रहता है कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, प्रभु जी जो बोल रहे हैं कितना सच बोल रहे हैं या कितना प्रैक्टिकल है, वो डाउट क्यों आते हैं, क्योंकि हमने प्रॉपर डिवोटी के संग में रह के कथयंतश्च माम नित्यम नहीं किया, इसलिए डाउट, इसलिए कन्विक्शन नहीं बैठता है कि लाइफ जो है कृष्णा को डेडिकेट करनी है, और मटेरियल डिजायर्स भी उतनी है, क्योंकि शुद्ध भक्त के अंदर मटेरियल डिजायर अगर हो तो वो उस डिजायर की चिंता नहीं करता है, क्योंकि वो कृष्णा के कथा में इतना एब्जॉर्ब रहता है डिवोटी के संग में कि उसको पता ही नहीं चलता है कब वो डिजायर हार्ट से निकल गई,
इतना हो, इतना एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। इसलिए मॉर्निंग आवर्स में जो हम लोग आते हैं भागवतम स्टडी में, उस स्टडी को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि वो बोधयंतस परस्परम हो रहा है, ऑनलाइन बोधयंतस परस्परम और कथयंतस माम नित्यम, तब दुष्यंती चा रमंती चा होगा, नहीं तो हमें नींद आएगी। तो कई लोग वीडियो बंद करके सो भी जाते होंगे, पता नहीं मेरे को। तो इसलिए एसोसिएशन बहुत जरूरी है। कृष्णा भी इसमें इसलिए तो बोल रहे हैं, एसोसिएशन का इम्पोर्टेंस भी बता रहे हैं इनडायरेक्ट वे से। यस, सो किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। डाउट हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी क्वेश्चन ऐसे है, जैसे कि आपने बताया कि भगवान भावग्रही जनार्दन है, तो वो एक्टिविटी स्वीकार नहीं करते हैं, वो हमारा भाव स्वीकार करते हैं। लेकिन क्योंकि जैसे अभी हमने देखा है कि जो भाव भक्ति है वो एक टॉप लेवल है, और स्टार्टिंग हमको साधना भक्ति से करनी पड़ती है। तो जब कोई भक्त हम जैसे साधना भक्ति करते हैं, तो उस वक्त तो हमारा भाव उतना डेवलप नहीं होता है, तो कैसे इसलिए तो डायरेक्ट कैसे भाव ले आए? तो इसलिए डायरेक्ट भाव उत्पन्न नहीं होगा, पहले साधु संग श्रद्धा, साधु संग भजन किया, अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, फिर प्रेम। डायरेक्ट भाव पे जब नहीं मारना है, इस प्रोग्रेशन है पूरा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो इसलिए शुरू में भाव नहीं है तो एक्ट करो, यद करोशि यद अत्नाति यद जुहोषि ददाति यद। इसलिए भगवान बोलते हैं ना, जो हमने कॉम्प्रोमाइज भक्ति वाला जो वर्ड यूज किया था 9.27, यस, इससे पहले बोलते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति अप्रणश्यति, ये शुद्ध भक्ति है। कॉम्प्रोमाइज भक्ति क्या है? यद करोशि यद अश्नासि, जो भी कर रहे हो मेरे लिए करो, जो कुछ भी खाते हो मेरे को ऑफर करो, जो कुछ भी ऑफर कर रहे हो मुझे ऑफर करो, यद तपस्यसि, जो भी तपस्या कर रहे हो मेरे लिए करो, ऐसे एक्ट करोगे तो धीरे 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 भाव आएगा। जैसे आप देखते हो स्कूल में एक वो कौन सा होता है, एनसीसी होता है, क्या होता है, एनसीसी आर्मी वाला ना, एनसीसी तो क्या, प्रॉपर स्टूडेंट को पहले ड्रेस पहनाते हैं आर्मी का, टोपी पहनाते हैं और उसको सब बैचेस लगाते हैं और एक मार्चिंग सिखाते हैं, ऐसे शूज वैसे पहना, तो वो एक्ट करेगा तो उसको फील आएगा कि मैं देश का सिपाही हूँ। तो ऐसे पहले बोल नहीं, पहले भाव उत्पन्न करो, आप पहले सिपाही फिर ड्रेस पहनो, तो फर्स्ट यू हैव टू एक्ट, तब फीलिंग आएगी, तब वो भाव उत्पन्न होगा। इसलिए वो एक्ट करने के लिए कृष्णा में इंस्पायर करते हैं कि मेरे लिए वर्क करो, मेरे लिए मुझे ऑफर करो सब कुछ, और फिर वो फीलिंग्स ग्रेजुअली जनरेट होगी। इन शॉर्ट प्रभु जी, भगवान स्टार्टिंग लेवल पर हमारी एक्टिविटी भी स्वीकार करते हैं। एक्टिविटी स्वीकारते हैं मतलब वो हमें इंस्पायर कर रहे हैं अल्टीमेटली कि भाव प्रकट होगा तभी मैं स्वीकारूंगा, क्योंकि भावग्राही तो नाम दे दिया है भगवान ने अपना, तो एक्टिविटी प्रोसेस है, अल्टीमेटली भाव ही एक्सेप्ट करेंगे। और अभी जैसे आप हो, चैंटिंग कर रहे हो, हम लोग रीडिंग हियरिंग कर रहे हैं, कितने लोग भाव से चैंटिंग करते हैं, फिर भी हमें ऐसा लगता है कि मैं चैंटिंग नहीं करूंगा तो मजा नहीं आएगा, है ना, ऐसा अनुभव हो रहा है, चैंटिंग में टेस्ट नहीं आ रहा है पर नहीं करूंगा तो मजा नहीं आता है। ये कैसा चीज है, हम नहीं करेंगे तो मतलब हम ऐसा सोच भी नहीं सकते कि आज हम माला नहीं करेंगे, पर माला करते तो नींद आती है, मजा नहीं आती है, तो ये क्या सीन है, इसको क्या बोलेंगे। ये कृष्णा की मर्सी है कि वो हमको पकड़ के माला करवा रहे हैं, हमारी इच्छा नहीं है फिर भी,
हमारे को टेस्ट नहीं है, फिर भी हम अलग कर रहे हैं, हमारा टेस्ट नहीं है, हमें रुचि नहीं है, हमें नींद आ रही है, हमारा पैर दुख रहा है, हमारा सर दुख रहा है, फिर भी मेरे को माला तो करनी है, तो वो कैसे कर पाते हैं हम? क्योंकि कृष्णा की मर्सी है, कृष्णा हमें हेल्प कर रहे हैं ताकि हम एक्ट करें, और कृष्णा हेल्प करेंगे जब हमारा भाव आएगा तभी भी। तो कृष्णा इज रेडी टू हेल्प अस, उसलिए क्योंकि कृष्णा इतनी हेल्प कर रहे हैं हमारी, हमें अकॉर्डिंगली फिर आदान प्रदान करना चाहिए भगवान से, ऐसे प्रोकेट करके। कैसे? कि ध्यान से माला करेंगे, ध्यान से श्रवण कीर्तन करेंगे और अच्छे से एसोसिएशन लेंगे, तब भाव जागरूक होता है। यस प्रभु जी। दूसरा प्रभु जी, आठवें नंबर के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने ऐसा बताया कि भगवान चैतन्य जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो तथा यह जानता हो कि इन उपदेशों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, वही यह समझ सकता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के मूल श्री कृष्ण ही है। तो क्वेश्चन ये था, जैसे कि प्रभुपाद जी ने और आपने मतलब जयवश्री लेक्चर के अंदर हमने चार संप्रदाय के बारे में देखा था, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने सिर्फ चैतन्य महाप्रभु का ही क्यों मेंशन किया? सिर्फ चैतन्य महाप्रभु का कहाँ मेंशन किया? जैसे चैतन्य महाप्रभु, और ऐसा लिखा है ना, पढ़ो अच्छे से, फिर से पढ़ो। हाँ, जैसे अधिकार, सॉरी प्रभु, जैसे अधिकारियों। यस यस, सो एक प्रश्न है कि कृष्णा एक्सेप्ट्स ओनली भाव एंड नॉट एक्टिविटी, सो कैन वी सर्व टू कृष्णा थ्रू विजुअलाइजेशन फॉलोड बाय भाव? इफ यस, देन व्हाई डोंट वी एम्फसाइज मोर ऑन दैट? सर्व कृष्णा थ्रू विजुअलाइजेशन, मतलब जैसे हम भगवान को देखेंगे तो हमारे अंदर भाव आएगा, तो वही करना अच्छा है, फिर सेवा क्यों करें? भाव अल्टीमेटली भाव ही सिखाते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि भगवान का दर्शन किया, आपके अंदर भाव प्रकट हुआ और अच्छा लगा आपको, पर फिर कल आप वही फिर से देखोगे दर्शन, तो आपके अंदर भाव प्रकट नहीं होगा, क्योंकि आपको लगेगा अरे ये तो कल ही देखा था मैंने ये दर्शन, तो मैंने ये फोटो या ये विग्रह का दर्शन तो कल ही तो किया था, आज क्या नया है? वही है, फिर 10 दिन बाद भी वही है, हर रोज वही है, रोज सुबह 7 बजे दर्शन आरती होती है, वही विग्रह है, क्या है? वही ड्रेस हमने कितनी बार पहने है, देखा है। तो ये हमारे माइंड की प्रॉब्लम है। माइंड, जैसे मैं हर बार बता दूं, हमारा माइंड जो है ऐसा एक कन्वर्टर है जो स्पिरिचुअल को मटेरियल में बदलता है, स्पिरिचुअल वस्तु को मटेरियल चीज में कन्वर्ट, जैसे डॉक्यूमेंट फाइल को PDF कन्वर्ट कर देना, वैसे वो स्पिरिचुअल वस्तु को मटेरियल में कन्वर्ट करके देता है, ये हमारा माइंड है। इसलिए विग्रह का आप दर्शन एक दिन करते हो अच्छा लगता है, मायापुर 2 दिन रुके अच्छा लगता है, तीसरे दिन चौथे दिन मंगला आरती में इच्छा ही नहीं हो, ना थक गए नहीं आना, तो ये माइंड ऐसा वर्क करता है। तो इसलिए वो भाव अभी माइंड के स्तर का भाव नहीं है जो हम सोच रहे हैं ना, हमें जो भाव आता है ना वो भाव नहीं है एक्चुअली, वो बस एक स्पेक्युलेशन है, इमेजिनेशन एक्सटेसी बोलते हैं, इमेजिनेटिव एक्सटेसी। तो इसलिए माइंड, हमें अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये भक्ति जो है वो चीप नहीं है, कि बस एक दर्शन किया और आंसू आए और भाव प्रकट हो गया, उसको भाव नहीं बोलते। आप बोलोगे भगवान तो भावग्राही जनार्दन है, आंसू निकालो जितने निकालो, बट कृष्णा को चीट नहीं कर सकते हम, ये कृष्णा हमारे हार्ट में है, उन्हें पता है कि व्यक्ति कौन सा कितने लेवल का है। इंटेंशन इम्पोर्टेंट है। और प्रश्न? क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? सो ये चतुर्श्लोकी गीता है और प्योर, एक्सक्लूसिवली प्योर डिवोशनल सर्विस,
भगवान बताते हैं और डिवोटीज भी क्या करते हैं ना। एक इम्पोर्ट एक और पॉइंट याद आता है कि मत चित मत गत प्राण होते अंतस परस्परम, जो दूसरा नंबर श्लोक है कि मेरे डिवोटीज। तो ये जब हम करेंगे तो भगवान हमें इंटेलिजेंस देंगे अपने पास कैसे पहुंचे, भगवत धाम जाने का इंटेलिजेंस हमें मिलेगा। तो डिवोटीज, कुछ डिवोटीज ऐसे होते हैं भगवान उनको इंटेलिजेंस देते हैं कि मेरे पास आओ, पर वो भगवान से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरी इच्छा ये है कि मैं अभी दूसरों को मत चित मत गत प्राण कैसे कराऊं। वो लोग फिर इस वर्ल्ड में इस यहीं रहते हैं और यहाँ पे दूसरे भक्तों के साथ मत चित मत गत प्राण करते हैं, होते अंदर परस्परम करते हैं और दूसरों को भी इंस्पायर करते हैं, और फिर वो लोग भगवतम भगवान फिर उन लोग को भी इंटेलिजेंस देना शुरू करते हैं कि मेरी तरफ कैसे पहुंचे। तो ये डिवोटीज के डिवोटी के उस भक्त के ऊपर चॉइस होता है कि कृष्णा के धाम में फिर से वापस कृष्णा के धाम जाना है कि यही रह के दूसरों को इंस्पायर करना है मच्छित मत कथा काम को। प्रहलाद महाराज यही प्रार्थना करते हैं ना कि मैं मुझे ये भव संसार में रहने का डर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरा माइंड तो हमेशा आपके कथाओं में और आपकी लीलाओं में एब्जॉर्ब है, तो मुझे डर नहीं है इस भौतिक संसार का। मुझे चिंता इस बात की है कि दूसरे लोग जो इस भव संसार में डूबे हुए हैं, जो प्लानिंग करके बैठे हैं कि यहाँ पे सुखी कैसे रहना है, उन लोग को मत चित मत गत प्राण कैसे कराऊं, उसकी चिंता है। तो ये एक पॉइंट था इससे कनेक्टेड। प्रभु जी जस्ट स्टार्टिंग में जो आपने बताया पिरामिड के बारे में, भगवान भक्त और भक्ति, तो ये अगर ये पूरा अगर आप समराइज करें कि ये किस प्रकार एक्ट हो रहा है भगवान भक्त और भक्ति। तो भगवान जो है, भक्त जो है वो मत चित मत गत प्राण करते हैं और भगवान उनको नॉलेज प्रदान करते हैं, और भगवान नॉलेज मतलब भक्ति प्रोवाइड करते हैं, और भक्ति से भक्त के अंदर तुष्यंती चाहे रमंती चाहे होता है। तो इस तरह से भक्त भगवान और भक्ति तीनों इस तरह से ट्रायंगल कनेक्टेड है। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। और कोई क्वेश्चंस?